मैं सिगरेट पीता नहीं बट लाइटर जरूर रखता हूँ नौकरी करने के लिए। राम राम मंडली, कैसे आज सगे मजे इतना? तो आई एम सोनू राजमन एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। उसको अवॉइड करो, मेरा जुड़वा है। हाँ तो हाँ, पता है इसके पहले नहीं दिखा होगा बट आज ही आया है लंदन से। हाँ तो गाइज, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह मैं आज जा रहा हूँ, मतलब कहाँ पे जा रहा हूँ आपने गेस किया ही होगा। तो मैं जा रहा हूँ कैंपिंग एंड टेंट लिया है, तब से इतना कैंपिंग कर रहा हूँ, मतलब अल्टरनेट डेज कैंपिंग कर रहा हूँ कि घर वाले मुझे लग रहा है कि अभी हगा ही देंगे घर से बाहर। तो आज मैं जा रहा हूँ मेरा दोस्त उत्कर्ष और एक दोस्त है उत्कर्ष का, उन दोनों के साथ जा रहा हूँ। तो कहाँ पे जाएंगे डिसाइड नहीं हुआ बट अभी बैग पैक करते चलो बाहर मेरे साथ एंड उसको अवॉइड ही करो आप। तो चलो तो गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ईपी नूडल्स, हैंकी, बैटरी, टॉर्च, ये चाय, व्हाटएवर इट इज, गाळणी मराठीत, चाकू, ये मल्टीपर्पज है क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन आल्सो एंड कुछ काटना हो तो, मतलब इसका यूज नहीं होगा मुझे पता है बट फिर भी। एंड मेरा टेंट, सॉक्स, ये दोन चेयर्स ऐसी दिखती है वो, एंड मेरा बैकपैक जो बहुत दिन मैंने यूज नहीं किया, मतलब इसके पहले वाले कैंपिंग के ट्रिप में किया था बस। आपको लग रहा होगा कि इतना सही सामान लगता है कैंपिंग को, तो नहीं, बहुत सारा सामान लगता है, पानी भी लिया है हमने, बहुत सारा सामान है। तो मेरा ये सामान छोड़ के जो भी लगेगा तो वो फ्रेंड है उत्कर्ष का, तो वो कैरी करने वाला है। सो अभी मैं फटाक से रेडी करता हूँ एंड उसके घर जाता हूँ, वहां से सीधा, मतलब डिसाइड नहीं है। एंड उत्कर्ष आने वाला है, सो उत्कर्ष गया है पुणे एंड देखो उसका एक कॉल, एक मिनट। सो उत्कर्ष में आने वाला है, उत्कर्ष गया है पुणे, सो हम लोग पहले जाएंगे एंड बाद में वो पीछे से आएगा खाना लेकर, मतलब खाना गर्म भी रहेगा। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए कैंपिंग साइट पे, मतलब यहाँ पे करना है कैंपिंग हमने डिसाइड किया। बट सीन ऐसा हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि उत्कर्ष पुणे से आने वाला है, बट जिस गाड़ी में वो आया उसी में उसका वॉलेट भूल गया एंड अभी वो, मतलब वो सतारा में, हम लोग सतारा से 20-22 किलोमीटर आके यहाँ पे रुके हैं एंड हमें समझ में नहीं आ रहा कि वापस जाए यहाँ पे, मतलब टेंट लगाए, क्योंकि ये लोकेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझने के लिए। सो एंड अंधेरा होने के बाद यहाँ पे मतलब कोई आता जाता नहीं है, सो हम लोग कन्फ्यूज है कि क्या करना है। सो बाय द वे, हिज प्रतीक एंड हम लोग आगे आए, उत्कर्ष पीछे से आने वाला था बट सिचुएशन खराब हो गई, क्या करे सो भाई, टेंट लगा। सो हम लोग अभी जाके टेंट लगा रहे हैं एंड उत्कर्ष जब आएगा तब आएगा, मतलब उसको तो हमारे सूत्रों के इन्फॉर्मेशन के आधार पे मैं बताना चाहूँगा कि उसको वॉलेट मिल गया है, अभी वो आ रहा है। सो हैप्पी हैप्पी, चला चला भाई। तो ये सिचुएशन ये है कि उत्कर्ष उस गाड़ी का पीछा करते करते गया वहाँ पे एंड मतलब वो खुद की गाड़ी पे नहीं गया, किसी गाड़ी की, मतलब हिचाइकिंग करते करते गया एंड अभी वो आएगा, गाड़ी लेगा आएगा, मतलब 10 बजने वाले, हम तो अभी कैंपिंग साइट ढूंढ रहे एंड टेंट लगा रहे भाई साहब, ये सिचुएशन है। चलो तो भाई साहब, अभी सीन ये है कि हम लोग इधर ही अटके पड़े एंड क्योंकि हमने लोकल्स को पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ चोरी हुई थी, सो इधर मत लगाओ क्योंकि यहाँ पे चोरी हुई थी एंड पुलिस का राउंड रहता है एंड वो ज़्यादा इंक्वायरी वगैरह करते रहते हैं, सो इसमें मत फंसो, ऊपर जाके लगाओ, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड उत्कर्ष अभी तक आया नहीं है, मतलब उसको टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो खाने का पार्सल भी लेके आने वाला है, सो मतलब उसका माइंडसेट हम अभी समझ सकते हैं, वो बहुत गुस्सा रहेगा। एंड हम लोग यहाँ पे रुके, ये भाई साहब इसका चश्मा चमक रहा है, वाह, एंड इधर मेड़ा है, हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं एंड एक सिगरेट जगह पे लगा रहे, सो वेट एंड वॉच।
सो गाइस अभी सिचुएशन ये है कि हम लोग एक जगह पे आए हैं। मैं सुबह जगह दिखाऊंगा, मतलब बहुत स्पेशल जगह है, वहाँ से मतलब व्यू अच्छा खासा दिखता है, बट बाहर बहुत अंधेरा है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। एंड हमने मतलब बहुत आज मतलब विदाउट रीज़न ऐसे ही घूमे, बट कोई सीन नहीं, क्योंकि हमें नया एरिया, AQ नाम का नया एरिया तो पता हो गया, वहाँ पे एक वाटरफॉल है, बट अभी मतलब बारिश नहीं है सो सूख गया है। एंड वहाँ पे हम गए एंड लोकल्स ने बताया कि मत जाओ आगे, यहाँ पे कुछ चोरी वेरी हो गई है, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया। सो हम लोग यहाँ पे टेंट लगा के बैठे, मैंने सीधा टेंट लगाने के बाद ही वीडियो शुरू किया, क्योंकि मतलब आप बोर होते होगे कि मैं ऐसे टेंट लगाने का टाइम लैप्स एंड ऑल। तो गाइस हमारा खाना हो चुका है एंड स्पेशल गेस्ट इज हियर, सो उत्कर्ष काई काई थोड़े लागले तुला आज? खूप काही लागलेत, सकाळी उठले पासून लागलेत। दादा रिचार्ज संपला। सो गाइस ये सीन हुआ कि उत्कर्ष सुबह उठा एंड उसका इंटरनेट का रिचार्ज वो पूरा खत्म हो चुका था एंड सब रिचार्ज खत्म हो चुका था, सो रिचार्ज में नहीं कर सकता था। एंड मतलब पुणे में था वो दोस्त के रूम पे, सो उसको रैंडमली एक शिव नाम का वाईफाई दिख रहा था, सो उसने shiv@123 किया एंड कनेक्ट हो गया, तो बाइक की लाइफ जिंगा लाला। तो उसके कसं वाटतंय तुला, काय कसं वाटतंय आतल्या? तशी रिलॅक्स फील करतोय आणि काय आता अंतर्मन काय म्हणतंय तुझं? अंतर्मन दुःख सोसल्याशिवाय पण सुखाची किंमत कळत नाही रे। व्हाट्स अप स्टेटस? तो मैं इतना ही बोलूंगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि मतलब मैं दो बार कैंपिंग किया बट इतनी ठंड नहीं थी, आज बहुत ही ठंड है एंड बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बट कितनी भी ज़्यादा ठंड है, ये व्यू के पैसे है भाई साहब। मतलब व्यू आगे इतना अच्छा है एंड आगे जो उरमोड़ी डैम बह रहा है, कमाल का लग रहा है भाई साहब। एंड मुझे लगता है यही कैंपिंग की खूबी है, क्योंकि हम मिलियंस ऑफ स्टार्स के नीचे सोते हैं एंड सुबह उठते हैं, ये सीन देखते हैं, रात को बॉनफायर जलाते हैं, मतलब दोस्तों के साथ हम टाइम बिताते हैं एंड फिर घर जाते हैं। आग नहीं जल रही क्योंकि यहाँ पे कुछ सूखी घास फूस नहीं है, बट विल सी। एंड वन मोर चीज, स्कैम 1992 देख के लाइटर खरीदा है। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि घर वालों को सूचना दे रहा हूँ, नहीं तो मेरे बैग में मिलेगा और घर वाले मुझे चेन स्मोकर डिक्लेयर कर देंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आग जलाने के लिए लिया है लाइटर। मतलब मैं सिगरेट पीता नहीं बट लाइटर जरूर रखता हूँ। तो गाइस फाइनली द मोमेंट वी आर वेटिंग फॉर इज हियर। नीचे आप देख सकते हो सूरज बाहर आ चुका है, मतलब सब इसी से इनके पैसे भाई। हमारे बंदे ठंड में कुड़ 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 कर रहे हैं, मुझे भी ठंड लग रही है, बट कभी कभी ऐसा कूल बनने के लिए ब्लॉग में करना पड़ता है भाई। सो आपको जगह पता नहीं है तो मैं जगह बताना चाहता हूँ कि मैंने परसों मतलब इसके पहले वाला कैंपिंग का ब्लॉग जहाँ पे किया था, जहाँ पे मैंने कुछ नई बातें की थी, उधर ही आए हम, क्योंकि बहुत घूम फिर के फिर मतलब मुझे तो यही सेफ जगह लगे, क्योंकि नाइट टाइम को कैंपिंग साइट ढूंढना मतलब बहुत मुश्किल रहता है। मैं हमारी कैंपिंग साइट दिखाता हूँ कितनी अच्छी है, क्योंकि ये देखो प्राइवेट जगह है एंड यहाँ पे कुछ घास फूस नहीं है ज़्यादा, सो कुछ स्नैक्स वगैरह की भी धोखा नहीं है। एंड ये देखो ये पूरा एज पे हमने टेंट लगाया है और गाड़ियाँ हमारी। सो गाइस अगर आप सादारा से यहाँ पे आ रहे हो तो इंदो होटल लगेगा, इंदो होटल से लेफ्ट मारना है एंड ऐसे एक पतरे का डब्बा दिखेगा, मतलब कंटेनर दिखेगा वहाँ पे, ये साइड रास्ते से बिल्कुल पास है, यहाँ पे दुकान है, होटल से सब। हाउ वाज योर नाइट? इट वाज गुड, इट वाज प्रीटी प्रीटी गुड। एंड व्हाट अबाउट मॉर्निंग? अभी सनराइज नहीं हुआ,
बट सनराइज के पहले का जो ऐसा माहौल होता है बहुत अच्छा होता है भाई साहब। भाई वही दिखने के लिए बैठा है इधर पैसे देऊन मी नरसुख म्हणजे हेच काय पाहिजे अजून आयुष्यात मुमिड्या जागले पाहिजे सगळ्यांनी सगळ्यांनी या ट्राय करा इथे येऊन कॅम्पिंग करण्याचा टेंट विकत घ्या सावऱ्यासारखा नाहीतर माझा रेंट हा तर सावऱ्याचा रेंट नाही घ्या काही प्रॉब्लेम नाही आणि या आणि हे आयुष्यातला असले क्षण कॅप्चर करून ठेवा आता जसं आम्ही करतोय बघा सूर्य उगवतोय जस्ट। सो गाइज हमने प्रीटी वाली मॉर्निंग देख ली मतलब सनराइज भी देखा अभी हम जलाने का कुछ ट्राई कर रहे थे क्योंकि बहुत ठंड है बट जल नहीं रहा एंड मैं स्वेटर निकाल के बैठा हूँ क्योंकि मेरा शरीर ऐसा ठंडी के लिए ये बना रहा हूँ क्या बोलते हैं मतलब सूटेबल हो ऐसा चाहता हूँ इसलिए मैं निकाल के बैठा हूँ बस एंड आज के ब्लॉग के लिए इतना ही मतलब ऐसा टेंट खोलूंगा टेंट बिठाऊंगा वो वाला सीन आपको बार बार दिखा के बोर नहीं करूंगा मैं आगे कैंपिंग ही करूंगा व्लॉग में मोस्टली कैंपिंग करूंगा बट आप बोर नहीं होगे ये मेरी जिम्मेदारी मैं उसी तरह से कंटेंट डिजाइन करूंगा कंटेंट व्हाट एवर इट इज। सो गाइज बाय बाय शब्बा खैर अगर आपको BTS देखने हैं मतलब ये ब्लॉग तो मतलब कुछ दिन बाद आएगा बट आपको BTS देखने तो मेरे इंस्टाग्राम है ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई को और बताया कि मैं यूट्यूब से आया हूँ सो मैं फॉलो बैक भी करूँगा मतलब सो आपका ईगो थोड़ा सा साइड में रखिए और फॉलो जरूर करना इंस्टाग्राम पे क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बस ऐसे ही ऊटपटांग चीज़ें नहीं डालता अच्छा कंटेंट डालता हूँ सो गो एंड चेक इट आउट माई इंस्टाग्राम एंड फिर फॉलो करो ओके एंड यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो सो शब्बा खैर।